थैंक्स। तुम्हारा पासपोर्ट है और तुम्हारा वीजा है। अगले हफ्ते तुम्हारी लंदन की फ्लाइट है, ठीक है? मैं कहना भूल गया, तुम्हारा पासपोर्ट और वीजा संभल कर बैग में रख देना। सर्वाना, इसे वापस लंदन क्यों भेज रहे हो? यही जाना चाहती है। उसकी ये इच्छा मैं पूरी ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, पर ये लंदन जाकर करेगी क्या? अरे, इसकी अच्छी खासी नौकरी है, वहाँ अच्छे दोस्त हैं इसके, वहाँ इसकी लाइफस्टाइल अच्छे से सेट हुई है, और इसी ने कहा था कि मैं इसके लिए पासपोर्ट और वीजा का इंतजाम कर दूं, तो मैंने कर दिया। मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं साधना को रोकूं। वैसे भी वो अगर यहाँ रही तो उसकी जान को खतरा है। सर्वरा, हम इसे यहाँ से इतनी दूर नहीं भेज सकते। तुम डोरा सिंघम को ठीक से जानते नहीं। मुझे जानने के लिए उस सिंघम को 100 जन्म लेने पड़ेंगे। मेरे एक वार से उसका पूरा खानदान अर्थी पर लेटा होगा। मैं साधना को लंदन भेज कर ही रहूंगा। तुम लंदन जाना चाहती हो? उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे लंदन जाना ही ठीक लगा, पर अब ऐसा लगता है कि मेरा फैसला गलत नहीं था, और सर्वना भी यही चाहता है। यही मेरी किस्मत है। पर तुम तो सर्वना से प्यार, हम जो चाहते हैं वो हमेशा हमें नहीं मिलता। मेरे सारे अपने धीरे धीरे मुझसे दूर हो रहे हैं। अगर तुम कहो तो मैं उससे जाकर बात करूं। वो मुझसे प्यार नहीं करता, मैं उसकी एक जिम्मेदारी हूं, प्यार नहीं। जब उसका कोई नहीं था तो तुमने उसका साथ दिया, अब पूरा परिवार उसका साथ देने को तैयार है, तो तुम उसे लंदन क्यों भेज रहे हो? क्योंकि साधना ने कहा था उसकी खुशी लंदन जाने में है, और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। सुन सर्वना, मैं भी जाके उससे समझाता हूँ, चिंता मत। दादा, आप लोगों में से कोई भी साधना से बात नहीं करेगा। साधना की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसे जरूर पूरी करूंगा, और इस वक्त उसे लंदन से ही सलामत भेजना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। सर्वना, तुम तो उससे प्यार करते हो ना? भाभी, दो प्यार करने वाले मिल जाए मेरी हमेशा यही कोशिश रही है, पर नसीब का खेल तो देखो, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर दूर जा रही है। मेरी किस्मत में उसका प्यार नहीं है। तू उसके बिना जी पाएगा? जी लूंगा। अरे नहीं जी पाएगा? जीना ही पड़ेगा। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता, चाहे वो आसमान में हो या पाताल में हो, मुझे उसको ढूंढ कर उसे खत्म करना ही करना है। अपने आदमी चप्पे चप्पे पर फैला दो, और सिंघम बचना नहीं चाहिए, कोई गलती नहीं। मुझे माफ कर दीजिएगा अंकल, उसने बस मेरी वजह से ये किया। चलिए चलिए चल, चल। अरे छोड़ यार, जाओ उसे रोक ले। लाओ मैं पैक कर देता हूँ, तुम सामान दो। पहले ये, उसके बाद दीदी के वजह से मुझे अच्छे मार्क्स मिले। थोड़ा सा, अरे अपने लिए भी रखो। बस 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 बेटा बस, थोड़ा अरे बस कर बेटा। नहीं नहीं, हाँ हाँ, डालो डालो सारा। आपकी दवाई। नहीं, अब आपको। ये तुम्हारे लिए है, तुम अपना ध्यान रखना। आजा। अरे आओ, चिल्ला क्यों रहे हो? आ गए ना, मेरी साधना, जल्दी आ। इस तरफ। अरे सॉरी। हाँ भाई, चल चल क्लिक कर। अरे उसका तो काम उसी दिन हो गया था। hey!
अरे, 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 अरे। सदा सुखी रहो बेटा। अपना ध्यान रखना। अपना ख्याल रखना। हाँ भैया। हाँ बोलो सरवना। मैं एयरपोर्ट के नजदीक हूँ, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, वो लोग यहाँ नहीं हैं। आप एयरपोर्ट आने के लिए निकल जाइए। ठीक है, हम आते हैं। हेलो सरवना। सरवना। हाँ बोलो। तुम कहाँ हो? एयरपोर्ट के पास हूँ। मैं इंतजार करूंगी, आखिरी बार मुझसे मिलना होगे ना। ठीक है, रखती हूँ। कुछ कहा तुमने? क्या कह रहे थे तुम? अपना ख्याल रखना। टेक केयर। तुम लोग वहां देखो, उस तरफ। रुक जा। चलो वहां उस तरफ देखते हैं। जाने का वक्त। सरवना। Attention please. This is the final call for all passengers boarding BA36 British Airways to London. Kidhar gaya? कृष्णा की छोटी बहन, तो कहाँ है तुम्हारा लंगूर पति? अरे मेरा मतलब सरवना कहाँ है? जानती हो सरवना सारे बैंगलोर में घूमा था, तब जाके ये साड़ी पसंद आई। पहली बार तुम्हारी फोटो देखते के साथ ही उसे तुमसे प्यार हो गया था। जब मुझे कृष्णा ने फोन करके बताया कि तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारी शादी के लिए हाँ कह दी, मैं बहुत खुश हुई। फिर उसका कोई फोन ही नहीं आया। क्या कह रही हो तुम?
कृष्णा ने तुम्हें बताया नहीं, सरवना तुमसे बहुत प्यार करता है और यही कहने के लिए वो तुम्हारे गांव आया था और ये साड़ी भी ली थी। तुम्हारे बड़े भाई और भाभी को भी सरवना बहुत पसंद था। सरवना मुझसे इतना प्यार करता है और उसने कभी कहा था नहीं। रुको, साधना। वेलो भैया। सरवना, सरवना कहाँ है? बैठे बैठे मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और टुकड़े टुकड़े कर दो उसके। मुझे मारेगा? मैंने तेरे भाई को मारा, उस बात का बदला लेने तू यहाँ आया है ना? तूने मेरे दोस्त और उसके पूरे परिवार को मार डाला, तो सोच मैं तेरा क्या हशर कर सकता हूँ। तू उस परिवार में से किसी को भी जिंदा नहीं देखना चाहता था ना? मैं चाहूँ तो चुटकी बजा के तेरे पूरे वंश को पल भर में खत्म कर सकता हूँ। तू मुझे जानता नहीं है। ए सिंघम, तुम सबके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। उंगलियों पे गिनती शुरू कर, इनमें से कोई नहीं बचेगा। हिम्मत है तो आ। Huh?